सत्य का तेल अहिंसा की बाती, अमर ज्योति जलती रहे, तेरे पद चिन्हों पर बापू दुनिया सारी चलती रहे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है, जिसे हमारा देश शहीद दिवस के रूप में मना रहा है। 30 जनवरी भारतीय इतिहास का अहम दिन माना जाता है। महात्मा गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से अत्याचार के प्रति अग्रणी नेता थे। उनकी अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। आज ही के दिन यानी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब बापू को गोली लगी तब उनकी उम्र 78 साल थी। गोडसे ने भारत के विभाजन को लेकर महात्मा गांधी के विचारों से असहमति जताई थी। इस दिन महात्मा गांधी दिल्ली के बिरला भवन में शाम की प्रार्थना सभा से उठ रहे थे। गोडसे ने अपनी सेमी ऑटोमेटिकल पिस्टल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बता दें कि महात्मा गांधी की शव यात्रा आजाद भारत की सबसे बड़ी शव यात्रा मानी जाती है। गांधी जी को अंतिम विदाई देने करीब 10 लाख लोग पहुंचे थे और करीब 15 लाख लोग उनके साथ चल रहे थे। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। भारत की आज़ादी में गांधी जी ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। हर साल शहीद दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचते हैं। साथ ही सेना के जवान इस मौके पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में अपने हथियार को नीचे झुकाते हैं। इस मौके पर पूरे देश में महात्मा गांधी समेत अन्य शहीदों को याद कर 2 मिनट का मौन रखा जाता है। इस दौरान विशेष तौर पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन भी किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी की पहली उपलब्धि थी, जिसे 1918 में शुरू किया गया था। गांधी जी ने सिविल अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना गया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसे उनके जीवन का सबसे सफल और सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है। अनेकों आंदोलन और अनगिनत सत्याग्रह के बाद भारत ने आज़ादी पाई थी, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था, जिसका खामियाना सारे भारत ने भुगता और महात्मा गांधी हमें हमेशा के लिए छोड़ चले गए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।